हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र बैंक के बारे में। तो ये महाराष्ट्र बैंक को सिलेक्ट करने का रीजन क्या है, इस स्टॉक में अभी क्या अपॉर्चुनिटी बना हुआ है, मतलब ये स्टॉक को हम आगे के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आने वाले हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। तो उसी बेस पे आप कोई स्टॉक को एनालिसिस करके अगर ट्रेड लेते हैं तो आपको एक बढ़िया सा गेन मिल सकता है। फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेड में हमेशा अपॉर्चुनिटी जहाँ पे बना होता है तो वहाँ पे मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। आप उसी टाइम पे अगर ठीक टाइम पे अगर उस स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में कंसिडर करेंगे तो बढ़िया सा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। फ्रेंड्स, ठीक है, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र बैंक के बारे में, तो ये स्टॉक का अगर चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल इसके मन नहीं करेगा इस स्टॉक को आगे के लिए, इस वीडियो का एनालिसिस देखने का भी आपको कभी भी मन नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ये स्टॉक में ऐसा अपॉर्चुनिटी अभी है, तो ये स्टॉक को हमारे पैसे यहाँ पे डबल भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सारा चीज समझेंगे, उसी बेस पे वो स्टॉक में हम पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अगर हम इसका ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए 96 के पास में ऑल टाइम हाई है। अभी स्टॉक जो ट्रेडिंग हो रहा है, यहाँ पे देखिए स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है ओनली 20 रुपीज के पास में, मतलब स्टॉक में कितना परसेंटेज का करेक्शन आ चुका है वो भी एक बार मेजर कर लेते हैं। स्टॉक में कितना परसेंटेज का एक्चुअल फॉल हुआ है, ये स्टॉक में 78% का फॉल हुआ है। तो ये स्टॉक में हमें क्या करना है, तो उसका पीछे का फाइनेंशियल रीजन पहले समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यहाँ पे 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका पी 17 पे पी पे चल रहा है। अभी 91% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। प्रमोटर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रमोटर है, तो मतलब सरकारी है, पीएसयू स्टॉक है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम इस हिसाब से अगर देखते हैं स्टॉक में, तो यहाँ पे देखिए इसका बुक वैल्यू 18 के पास में है, लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 20 के पास में, मतलब नियर टू बुक वैल्यू में स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। तो ये स्टॉक में अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर प्रॉफिट की बात करेंगे हम, यहाँ पे स्टॉक हमेशा आप देखिए यहाँ पे 274 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट किया हुआ है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। अगर आप देखेंगे ना लास्ट 12 क्वार्टर में, ये सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट किया हुआ है 274 करोड़ का। अगर हम यहाँ पे सेल्स की भी बात करेंगे, 3,200 करोड़ का सेल्स हुआ है, जो कि रेवेन्यू हुआ है। रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू भी सबसे हाईएस्ट है लास्ट 12 क्वार्टर में। तो इस हिसाब से यहाँ पे तो एक पॉजिटिव डाटा आ रहा है। यहाँ पे -3,756 करोड़ का था, यहाँ पे ओनली 75 करोड़ का था, यहाँ पे 89 करोड़ का था, यहाँ पे 124 करोड़ का था। तो इस हिसाब से सबसे हाईएस्ट यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट किया हुआ। अगर लास्ट 4 क्वार्टर का भी हम प्रॉफिट की बात करेंगे, तो लास्ट 4 क्वार्टर में 813 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे, 12,400 करोड़ का रेवेन्यू है। रेवेन्यू के हिसाब से प्रॉफिट तो बहुत बेहतरीन प्रॉफिट है। अगर लास्ट कुछ साल का अगर आप डाटा निकाल कर भी देख लेंगे, लास्ट अभी हाईएस्ट आया है, हाईएस्ट यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट किया हुआ है, जो कि 813 करोड़ है। यहाँ पे पिछला साल का भी अगर देखेंगे, यहाँ पे 2021 का, यहाँ पे 571 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट किया हुआ था, जो भी सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट था। तो अभी कुछ साल के बाद में ऐसा परफॉर्मेंस पहली बार दे रहा है स्टॉक में। तो अगर लास्ट कुछ साल का अगर हम डाटा देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव प्रॉफिट आ रहा था, इसीलिए तो स्टॉक गिर रहा था। स्टॉक क्यों गिर रहा था, इसके पीछे का रीजन यही था, मतलब प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी बैंक, तो इसीलिए स्टॉक गिरते गिरते कहाँ तक आ चुका था। ठीक है, लेकिन स्टॉक में जब जिस हिसाब से प्रॉफिट को पोस्ट किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है तो इसका जो हाईएस्ट यहाँ पे जो प्रॉफिट पोस्ट किया हुआ था, हाईएस्ट लेवल जो था 769 करोड़ का, यहाँ पे जो 2013 में था, 2013 मतलब 2014 2013 में अगर इसका शेयर प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2013 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2013 में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे चल रहा था 61 पे। ठीक है, यहाँ पे अगर 2014 की बात करेंगे, यहाँ पे 53 पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा था। तो इसी हिसाब से ये स्टॉक परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर हम इसी हिसाब से अगर एक बार डेली चार्ट पैटर्न देख लेंगे, डेली चार्ट पैटर्न अभी ओपन करके फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं, तो डेली चार्ट पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है स्टॉक में आपको एक बढ़िया सा प्रॉफिट मिल सकता है। जो भाई बोल रहे हो ना पेनी स्टॉक हमें चाहिए, मुझे लगता है ये पेनी स्टॉक भी आपके लिए बहुत बढ़िया सा गेन दे सकता है। ये पेनी स्टॉक तो बल्कि नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी का मार्केट कैप 13,000 14,000 करोड़ है, वो कभी पेनी स्टॉक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये क्या पेनी स्टॉक है। तो
ये जो कंपनी, ये जो बैंक है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटी बना हुआ है। आप अभी भी अगर इस स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में कंसिडर करते हैं, जिस हिसाब से प्रॉफिट पोस्ट किया जा रहा है, जिस हिसाब से फाइनेंशियल सुधार में आ रहा है, तो आपको ये इमीडिएट टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है। अगर 6 मंथ्स भी अपना पोर्टफोलियो में लेके चलेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है ये जो टारगेट ना आपका इजीली अचीव हो सकता है। देखिए यहाँ पे 58% का गेन, आपको 58% का गेन मिल सकता है 6 मंथ्स में, ठीक है। अगर थोड़ा सा लंबा टाइम के लिए स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं, वो टारगेट भी अचीव हो सकता है, जो कि यहाँ पे हाईएस्ट प्रॉफिट पोस्ट किया हुआ था जिस लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे 749 का लेवल जो है ना, यहाँ पे 2014-2013 का जो लेवल है ना, वो लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर 2013-2014 की लेवल के बारे में बात करेंगे, देखिए अगर आप इस स्टॉक को 2013-2014 का लेवल तक रखते हैं, तो आपको कितना परसेंटेज का प्रॉफिट मिलता है वो भी देख लीजिए। देखिए पहला टारगेट तो आप यहां तक आप लेके चल सकते हैं, नेक्स्ट आप अगर यहां तक भी लेके चलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 58 का टारगेट है, अगर ये 58 का टारगेट के लिए अगर आप स्टॉक में बने रहेंगे, हो सकता है आपको कुछ साल लग जाए, ठीक है, हो सकता है कुछ साल लग जाए, लेकिन वो टारगेट भी अचीव हो सकता है जिस हिसाब से परफॉर्मेंस हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप ये स्टॉक को, मैं पर्सनली ये चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, आप ये स्टॉक को अभी अगर बाय करके चलते हैं, जो पहला टारगेट है आप 31 पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट टारगेट के लिए आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है स्टॉक, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना, फिर भी आपको एक बढ़िया सा गेन मिल सकता है, ठीक है। अगर 1 साल तक अगर ये गेन आपको दे देता है ना, 1 साल में आपको वो कितना परसेंटेज का प्रॉफिट मिलता है देख लीजिए फ्रेंड्स। अगर आप 1 साल तक होल्ड करते हैं स्टॉक में, आपको 85% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन कोई भी स्टॉक बाय करेंगे ना, खुद का रिस्क पे बाय कीजिए, और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखिए। अगर पोर्टफोलियो का आप डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे ना, तो आपको स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होगा, ठीक है। और स्टॉक अगर आपने अभी बाय कर लिया, अगर कल के दिन में अगर इसका गेन नहीं मिला, अगर बार बार आप पूछते रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए स्टॉक को अगर पेशेंस के साथ में होल्ड कर सकते हैं, तो इस स्टॉक को बाय कीजिए। अगर 1 साल भी टाइम देंगे ना, 1 साल से 1.5 साल में आपका 84 जो यहाँ पे 84% का गेन मिल सकता है, 37 का टारगेट जरूर टच हो सकता है। उसका पीछे का रीजन तो मैंने आपको बताया, प्रॉफिट किसी हिसाब से पोस्ट किया है, ठीक है। तो मैं आपको तो अपर लेवल भी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप अगर 85% का गेन मिलता है आपको अगर 1.5 साल में, तो बहुत बढ़िया सा गेन होता है। अगर हम इसका ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में 3.2% का तेजी दिखाया गया है। इसका प्रॉफिट भी अभी, इसका रिजल्ट भी आने वाला है। अगर रिजल्ट तक वेट करेंगे तो भी ठीक है, 20 तारीख तक का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं पता है कि रिजल्ट में इस हिसाब से स्टॉक भी भाग भी सकता है, लेकिन 20 तारीख को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद में भी अगर आप पोजिशन बनाना चाहते हैं सेफ्टी के हिसाब से, तो भी पोजिशन बना के चल सकते हैं। अभी देखिए 62 लाख क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, यहाँ पे 33 लाख क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि 54% का डिलीवरी है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक ये स्टॉक के बारे में पता नहीं था, तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा हम एक एक बढ़िया सा स्टॉक आपके सामने एनालिसिस करके बताते रहेंगे। तो आप एक अच्छा सा स्टॉक एनालिसिस करके, एक अच्छा सा स्टॉक को लेके अपना पोर्टफोलियो में बढ़िया सा गेन ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपका फ्रेंड सर्कल में अगर कोई एक अच्छा सा स्टॉक सिलेक्ट करके एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, तो उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, तो ताकि वो एक अच्छा सा स्टॉक में पोजीशन बना के अच्छा सा ट्रेड लेके स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। क्योंकि स्टॉक में ऐसा भी हो सकता है, न्यूली अगर कोई भी स्टॉक को लेंगे तो उनको कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं होता होगा, तो इसीलिए आप ये वीडियो को जरूर उनको शेयर कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उनको भी प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी हिसाब से आप दो स्टॉक, दो टारगेट यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको मिड टर्म का टारगेट चाहिए, तो पहला टारगेट आपको 31 पे आपको बुकिंग करना पड़ेगा, और नेक्स्ट टारगेट के लिए आपको 37 पे प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट के लिए हो सकता है 1 साल से 1.5 साल भी लग जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यूली एंटर किए हैं, तो आप यहाँ पे प्ले लिस्ट में जरूर विजिट कीजिए। तो प्ले लिस्ट से विजिट करके आपको जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसका प्ले लिस्ट अलग अलग बनाया हुआ है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिए। पोर्टफोलियो रिव्यू का प्लेलिस्ट अलग है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट अलग है, कैसे मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जीटी ट्रेडर वगैरह कैसे लगाते हैं, यहाँ पे आके देख सकते हैं, ठीक है। और सारे ये इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।